साल के बाद तरह तरह के डरावने वायरस जनता की चिंता की परेशानी बन रहे हैं। हाल ही में अमेरिका में हिरणों को होने वाली जॉम्बी डियर डिजीजेस का पता चला है। इस वायरस की चपेट में आए हिरण अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि इस बीमारी के चलते उनके ब्रेन में छेद हो रहा है। अमेरिका में पिछले 2 महीने में कई प्रांतों से इस तरह के केस आ रहे हैं, जिससे वैज्ञानिक काफी चिंता में पड़ गए हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका के करीब 32 प्रांत और कैनेडा के 4 प्रांतों में हिरणों को यह अजीबोगरीब लेकिन संक्रामक बीमारी हो रही है। डॉक्टर्स ने इस क्रॉनिक विंस्टिंग डिजीजेस की श्रेणी में रखा है और चेतावनी जारी की है कि लोग हिरण, मूस और एल्क जैसे जानवरों का मांस खाने से परहेज करें। जॉम्बी डियर बीमारी आखिर क्या है? जॉम्बी डियर डिजीज एक घातक और संक्रामक बीमारी कही जा रही है, जो सर्वडिस नामक जानवरों के एक समूह पर हमला करती है। इस समूह में हिरण, रेंडियर, मूस, एल्क और कारिबू जैसे जानवर शामिल हैं। इस बीमारी के तहत असामान्य प्रोटीन के कण जानवरों के ब्रेन के टिश्यूज में जमा होने लगते हैं। इससे इन जानवरों का दिमाग भ्रमित होने लगता है और वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं। वो एक ही जगह पर देखता रहता है और शिकारी से बचने के प्रयास तक नहीं करता। उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर और शिथिल होने लगता है। कहा जा रहा है कि ये बीमारी संक्रामक है और संक्रमित जानवरों के तरल पदार्थ, मलमूत्र, वनस्पति या मिट्टी के संपर्क में भी दूसरे जानवरों को फैल सकती है। अगर ये बीमारी किसी चारागाह या अस्तबल या वन्यजीव संरक्षण में आ जाए तो इससे भारी संख्या में जानवर संक्रमित हो सकते हैं। क्या इंसानों पर खतरा बढ़ सकता है? वैज्ञानिक इस बात की चिंता जता रहे हैं कि कहीं बीमारी बंदरों तक न पहुंच जाए, क्योंकि बंदर इंसानी इलाकों में रहते आए हैं और अगर ये बीमारी बंदरों में फैली तो इंसान इसके सबसे ज़्यादा शिकार हो सकते हैं। इसके लक्षण क्या है? जॉम्बी डियर डिजीज के लक्षण डेवलप होने में करीब 1 साल लगता है। इसके शिकार हिरणों की जांच की जाने पर पता चलता है कि संक्रमित जानवर इस वायरस के प्रकोप के चलते कमजोर होने लगता है, उसका वजन गिरने लगता है और वो थकान महसूस करते हैं। उनकी ऊर्जा खत्म होने लग जाती है और पैर लड़खड़ाने लगते हैं। फिलहाल की बात करें तो इस बीमारी का इलाज संभव नहीं है। ऐसे में संक्रमित इलाकों के स्वस्थ जानवरों को माइग्रेशन के जरिए सुरक्षित रखने के उपयोग किए जा रहे हैं।